जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? और आज हम स्कर्दू के अंदर हैं और हमारा तीसरा दिन है आज, और तीसरे दिन का आगाज़ करने लगे हैं। रात को हम जिस जगह पे रुके थे वो है मदरसा मरकज़ हिफ्ज़ुल कुरान स्कर्दू बल्तिस्तान। रात को हम इस मदरसे के अंदर रुके थे। यहाँ पे तकरीबन 60 बच्चे पढ़ते हैं, उनको हिफ्ज़ करवाया जाता है, और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो हमारे सर हैं, तो उन्होंने हमें यहाँ अकोमोडेट किया, यहाँ हमें रखा है, रात को खाना शाना खिलाया, सुबह नाश्ता भी उन्होंने ही करवाया। तो अब अभी तकरीबन सुबह के 10 बज गए हैं, 10:15 का टाइम चल रहा है। तो यहाँ से हम मैंने आज आपको लेके जाना है शिगर वाली साइड पे, जो कोल्ड डेजर्ट भी है वहाँ पे, और भी ब्लाइंड लेक भी है वहाँ पे, और भी दो चार जगह हैं जो दिखाने वाली हैं, जो खूबसूरत हैं, जो स्कर्दू की खूबसूरती में इजाफा करती हैं। ये जी हेलीकॉप्टर आ रहा है। हमने सोचा तो ये था कि आज हेलीकॉप्टर पे जाएं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है ऊपर हेलीकॉप्टर पे, और ज़्यादा गर्मी लगेगी, तो हमने सोचा कि रोड पे ना चलते हुए जाते हैं, क्योंकि ऊपर से ना व्यू भी बड़ा अच्छा नहीं आता, सिर्फ लोग छोटे छोटे कीड़ियों जितने नज़र आते हैं, बंदे में गुरूर आ जाता है तो उससे बचने के लिए एक बच्चा तो हमारे साथ है, तो इसको हम स्कर्दू का मेन बाज़ार है, और जो चोरा से आप सीधे आए ना, तो उधर से सीधा रोड ये मेन बाज़ार है, मतलब रेडियो पाकिस्तान चौक से लेकर ये सीधा आगे मेन को जाता है, और यही रास्ता आगे जाएगा शिगर की तरफ को, खपलू की तरफ को भी यही रास्ता जा रहा है, लेकिन अभी हमने जाना है शिगर की तरफ को। तो शिगर यहाँ से तकरीबन 35-40 किलोमीटर है। अभी सुबह का टाइम है, तकरीबन सुबह के 11 बज गए हैं, तो आवाम भी रोडों पर निकले, रश थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया है, लेकिन उम्मीद है कि ये शहर के अंदर अंदर ही रश है, आगे जाके ना कम हो जाएगा रोड के ऊपर। ये एक बहुत खूबसूरत मस्जिद है, जिसके मीनार आप देखें कितने खूबसूरत हैं, मीनार गुंबद बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। इमाम बारगाह है, ये इमाम बारगाह है इस वजह से। ये रास्ता अब हम जा रहे हैं शिगर की तरफ को, और ये जो इलाका है जिधर से हम अभी गुजर रहे हैं, ये हुसैनाबाद है, और छोटा सा ये इलाका है, मतलब जैसे इलाके होते हैं, जैसे ये अब लिखा हुआ है हुसैनाबाद, मेरे ख्याल से छोटी सी वादी टाइप है, कि कस्बे की तरह कह या गांव कह सकते हैं, शहर नहीं इसको कह सकते, पर छोटा सा इलाका, जैसे हमारे अगर आप फैसलाबाद ले लें और छोटे छोटे आसपास जो गांव हैं, जिस तरह उनके गांव के नाम होते हैं, तो उस तरह ये भी एक छोटा सा गांव है। ये देखें, एक साइड पे पहाड़ हैं, इस साइड भी पहाड़ है, मेरा ख्याल है कि हम भी पहाड़ के ऊपर ही हैं इस टाइम पे, और पहाड़ के ऊपर ये सारा हुसैनाबाद बना हुआ है। बहुत ज़्यादा डिवेलप है, बहुत ज़्यादा, उस तरह से देखा जाए ना, पुलिस स्टेशन भी है, स्कूल भी है, कॉलेज भी है, और घर भी बेहतर है, और ज़िंदगी ज़रूरियात ज़िंदगी, हॉस्पिटल वगैरह नहीं है मेरे ख्याल से, हॉस्पिटल भी है, और पीछे हॉस्पिटल भी गुजरा है, हॉस्पिटल सब कुछ ही है। ये है जी रोड की तरफ जाना, बहुत थोड़ा है तो सिंगल है, लेकिन फिर भी अच्छा बना हुआ है, इतना भी ख़राब नहीं है, जाने वाला शहर भी है, बड़ा रेगिस्तान भी लगता है, यहाँ से शुरू हो गई। ये आ रहा है स्कर्दू से, इधर से हम आए हैं, और इधर को आप घूम जाएं तो ये सामने आपको बोर्ड नज़र आएगा, इस पर लिखा होगा शिगर 22 किलोमीटर, और मतोखा भी इधर को ही है, बस ये रास्ता इधर को जाता है रोड शिगर की तरफ को। ये हमने एक बंदा ये भाई के साथ बैठा लिया, रास्ते में मिले इस भाई के साथ बैठ, जब वहाँ शिगर तक ये भाई जा रहे हैं, शिगर से पहले ही जो सरफरंगा डेजर्ट है ना वो भी पहले ही आ जाता, तो हम वहाँ पहले ही कुछ देर रुकेंगे, कुछ इंजॉय शिवाय करेंगे, देखेंगे किस तरह का है, आपको भी दिखाएंगे, फिर उसके बाद आगे शिगर को जाएंगे, और ब्लाइंड लेक भी उधर को ही है, वो भी देखेंगे। ये रूट जा रहा है जो शिगर तक और कोल्ड डेजर्ट तक जाता है, ये वाला रूट है, और ये आपके सामने कोल्ड डेजर्ट स्टार्ट हो गया। कोल्ड डेजर्ट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्दियों के अंदर यहाँ पे बर्फबारी होती है, तो इस वजह से ये डेजर्ट को कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। गर्मियों में ये रेत गर्म ही रहती है, ये ऐसा नहीं है कि गर्मियों में इसकी रेत भी ठंडी होती है, गर्मियों में रेत इसकी गर्म ही होती है। इंडस रिवर गुजर रहा है यहाँ से, स्कर्दू से भी इंडस रिवर गुजरता है, और ये पुल है, बड़ा खूबसूरत है, वो पैराग्लाइडिंग हो रही है, आपको नज़र आ जाएगा, आया बंदा किधर गया,
गुजर गया जी सर, फरंगा कोल्ड डेजर्ट। और यहाँ पे आप ये तीन चार चीज़ें कर सकते हैं, डर्ट बाइक कर सकते हैं, पैरा मोटर कर सकते हैं, जीप चला सकते हैं, क्वाड बाइक चला सकते हैं। और इनकी ये सामने कीमत लगी है 8,000, 7,000, 2,000, 2,000, ये इनकी कीमत है। यहाँ पे ये आप कुछ देर कर सकते हैं, मेरा 20 मिनट होगा इसका टाइम या 10 मिनट होगा, इस हिसाब से टाइमिंग होगी। और घुड़सवारी भी है यहाँ पर, वो भी कर सकते हैं, घोड़े की सवारी। मेरे ख्याल से अगर इसको घूमना है तो इसको इंसान को सर्दियों में घूमना चाहिए, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट को गर्मियों में देखना क्या फ़ायदा। सर्दियों में घूमें हम लोग, फिर सर्दियों में चीज़ें गर्मियों में देखते हैं, गर्मियों वाली सर्दियों में ये वाली जगह रहा है। सर्दियों में सही घूमने वाली जाके जब बर्फ़ हो और ठंडा हो, बर्फ़ यहाँ पड़ी हो, फिर उससे देख रहे हो, ये सारी वैली है, शिगर वैली है सारी। और इसके अंदर ही सारे बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, बहुत खूबसूरत है। और अगर सुकून सुकून चाहते हैं ना आप, तो यहाँ पे आके आप सुकून के लिए रहें, 2-3 दिन रहें, फिर आप ज़रा इंजॉय करेंगे इसको, वरना इतना भी ख़ास इंजॉय नहीं है। और ये डेजर्ट है, और ये जो आ रहा है ना, जो पानी आ रहा है, ये सारा K2 का पिघल के पानी इधर को आ रहा है, उसी का। शिगर वैली के अंदर है, इसको सिटी कंसिडर किया जाता है। यहाँ के जो कदीमी चीज़ें हैं, उसके अंदर तीन मस्जिदें हैं जो तकरीबन 400 साल पुरानी मस्जिदें हैं, और एक किला है वो भी मेरे 400-500 साल पुराना है, वो भी दिखाएंगे आपको। जो मस्जिदें हैं उनकी एंट्री की कोई फीस नहीं है, जो किला है वो सरीना होटल अब बन चुका है, सरीना होटल ने उस पर काबिज़ हो गया है, और उसकी एंट्री की फ़ीस ने 500 रुपया रखी है। तो अभी आपको मस्जिद की तरफ लेकर चलते हैं। मेरा ख्याल है कि मस्जिद है, यही मस्जिद है, और इसका दरवाज़ा ये है, नॉक करते हैं, ये ऊपर से खोल लें। मेरे ख्याल से मस्जिद किसी घर तो नहीं, ये है वो मस्जिद जो 400 साल पुरानी है, और ये सारी लकड़ी से बनी हुई है। इसका मतलब है बरसगीर कितने सौ साल पुराना है बरसगीर? सब कॉन्टिनेंट हाँ, कितना पुराना है? इंडस तो इंडस जो सिविलाइजेशन है वो तो 4-5 हज़ार साल पुराना, काफ़ी पुरानी है। मतलब कि इससे इस मस्जिद से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे इस्लाम आया 400-500 साल पहले। ये मस्जिद का ना एंट्री का दरवाज़ा है, ये लोहे का बना है, ये शायद बाद में चेंज हुआ है, ये लकड़ी तो 400 साल पुरानी ही लकड़ी है, इसकी तहकीक करेंगे। और ये मस्जिद है, ये मस्जिद का वो है गल्ला, ये भी बाद में लगाया है, ये 400 साल पुराना नहीं है। ये मस्जिद अंदर भाई नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये छोटी सी मस्जिद है, सिंगल फ्लोर है इसका। अरे खुशबू आ रही है अजीब सी, ये लकड़ी, ये दयार की लकड़ी, वो उसकी तो नहीं है, वो क्या कहते हैं उस पत्थर का, होटल है। और ये जब किला है, ये तकरीबन 400-500 साल का किला है, और यहाँ से बाहर से आपको मैं व्यू दिखा देता हूँ। और इसकी टिकट है 500 रुपये की, इसकी टिकट है, यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हैं, एक यहाँ पे ड्रामे की भी शूटिंग चल रही है, और ये टिकट काउंटर है जहाँ से आपको टिकट मिल सकती है। और ये किला कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, वहाँ तक हम जाएँ तो ख़त्म हो जाता है, वहाँ एंड तक ही है किला बस, है ना। और पीछे में कोई बाग शाग होगा खास भी, वो जो फोर्ट और मस्जिद देखने के बाद हम जा रहे हैं। शिखर के अंदर एक बाग है, वो बाग कहते हैं, बहुत खूबसूरत है, एक तो वो कुदरती भी है और कुछ बाद में मैन मेड भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो बाग जाके देखते हैं कि वहाँ बाग के अंदर क्या क्या कुछ लगा हुआ है। और हाँ, और ये रूट उस बाग की तरफ को जाता है, जो इधर से पीछे 1 किलोमीटर दूर था सरीना, और सरीना से आगे कोई बाग जाता है। इसके बाद फिर हम 2 मस्जिदें देखेंगे, ब्लाइंड लेक की तरफ जाएंगे, और भी कुछ चीज़ें दिखाएंगे आज आपको, तो साथ रहें, आज बहुत कुछ देखेंगे इंशाल्लाह। शिखर से आए हैं 10 किलोमीटर, और ये है वो बाग जिसकी एंट्रेंस है, और अभी अंदर जाके आपको बाग दिखाते हैं, बाग किस तरह का है। ये है अंदर बाग, वेलकम टू स्कर्दू, मुकामी फलों से बनी हुई गाज चीज़ वगैरह, आगे देखते हैं किस किस फल के। और यहाँ लिखा हुआ था बाहर के, स्प्रे किया हुआ है बहुत सारे पौधों के ऊपर। और ये अंदर है जो इधर फलों से बनी हुई सुगात है, ये जूस बने हुए हैं चेरी के, जूस है? कितने का? ये चेरी का जूस। अच्छा, और ये क्या चीज़ है भाईजान? ये शहद, ये शहद है। और ये पल्प है, पल्प है, ये जैम है, ये भी जैम है, और ये चेरी, स्वीट चेरी, चेरी का मुरब्बा, ये चेरी का शरबत, ये भी चेरी का शरबत, ये वो मैं क्या पानी में डाल के बनेगा, ठीक है। और ये चेरी का वो क्या कहते हैं, विनेगर, सिरका, ब्लैक चेरी, बहुत ज़बरदस्त। जैम भी है, जैम
के अंदर पहले ये इस साइड पे सेब के बाग लगे हुए हैं, ये सेब इनके ऊपर लगा हुआ है और को लिखा है पौधों को स्प्रे किया गया है लिहाजा फल ना तोड़ें। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फल तोड़ने के बाद आप पानी से धो के उसको खा सकते हैं, ये भी एक तरीका कार है। तो ये हैक लगाने के बाद अगर आप मतलब किसी ने आपको देख लिया तो आपकी बेइज्जती भी हो सकती है, हो सकता है थोड़ी खातिर तवाज़ा भी इसके बाद आपकी हो। लेकिन अगर आपका किस्मत ने आपका साथ दिया, हाँ कामयाब हो गए, तो हो सकता है आपके हाँ तो वो आप खा भी सकते हैं। तो बहरहाल आगे चल के दिखाता हूँ आपको और कौन कौन से यहाँ पे बाग लगे हुए हैं। ये वहाँ से हम चलते हुए आए हैं और यहाँ पे आगे बाग ख़त्म हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि हमने इतने से बाग के लिए बहुत ज़्यादा सफ़र कर लिया है, इससे अच्छा हम टोखा चले जाते। तो खैर ये बाग है, अब बाग आपको देख लिया, आपको यहाँ आके बाग देखने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह के बाग सेबों के कहीं और देखोगे ना, वो भी इसी तरह के सारे। तो जो हमारे जहन में ये था कि आएंगे तो बाग पता नहीं कितने कितने के फल लगे होंगे और मज़ेदार माहौल होगा बाग का, लेकिन ऐसा माहौल नहीं है यहाँ पर। तोड़ा ये उस भाई ने चढ़ के तोड़ा, मुझे लगता है उसके मालिकों ने देख लिया है। और ये जो पानी जो आ रहा है ना, ये पानी मेरे ख्याल से ये कौन से पानी आ रहा है, ये वही वाला आ रहा है केटू वाला, ये केटू का ग्लेशियर वाला पानी आ रहा है। हाँ, दो रस्ते है ना। और ये सेब अभी बिल्कुल साफ हो चुका है, स्प्रे स्प्रू जो भी थी सब उतर गई है और अब हम इसको अभी यहाँ खाएंगे या नहीं। नहीं इसको बैग में रख ले बाहर जाके, चलो व्यू दे। हाँ चलो तीन ले लो सर, बड़ा मजा मीठा नहीं है। हाँ लेकिन मज़ेदार। रुक जा मुझे भी खाने दे। हाँ क्या नाशपाती का टेस्ट नहीं है ऐसे भी, लेकिन कच्चा ना थोड़ा नाशपाती का टेस्ट, जैसे रेड पे चक्की मारी ना मैंने वहाँ से सही था, नाशपाती का टेस्ट मीठा था थोड़ा। इसका टेस्ट नाशपाती की तरह का हल्का हल्का, बहुत मज़ेदार है।